जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के चैनल विशेष गुरुजी में। और वीडियो हम तभी लेकर आते हैं जब हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ NIOS की तरफ से आ जाती है, जब हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये न्यूज़ बिल्कुल पक्की है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, तब हम शेयर करते हैं अपने सभी व्यूअर्स को। तो आज भी जो है दो नोटिफिकेशन ऐसे जारी हुए हैं NIOS की तरफ से, जो कि अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग स्ट्रीम 2 का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर जो है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अक्टूबर 2023 में आपके एग्ज़ाम है, तो आपके लिए आए हैं दो नोटिफिकेशन। ये दो नोटिफिकेशन हम लेकर आए हैं, इसमें क्या NIOS ने लिखा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी हो अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो है ये सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह गुसाई और ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग नए आए हैं वो भी, और जो लोग पुराने हैं वो लाइक देते रहिए और इसी तरीके से हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ सिर्फ यहीं मिलती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की जो अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को लेकर। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में आपने सुन लिया होगा कि पोर्टल जारी हो गया है, अब आप अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पेड कर सकते हैं 21 मई से लेकर 20 जून तक, ये डेट है। और 20 जून के बाद लेट फीस भी देकर आप कर सकते हैं, लेकिन 20 जून तक आप नॉर्मल फीस के साथ में विदाउट एनी लेट फीस आप अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस पेड कर सकते हैं। अब बच्चे बात करते हैं कि सर ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस किसको देनी होती है और क्यों देनी होती है, तो मैं बताऊं जिन लोगों ने स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में एडमिशन लिया है उन सभी स्टूडेंट्स को जो पब्लिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट के आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उतने सब्जेक्ट की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबमिट नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरी ओर जो स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं, आपकी कोई भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं होती है। आपका जब इस जिस वक्त एडमिशन हो रहा होता है उसी में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इंक्लूडेड होती है, आपको कोई सेपरेटली एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पेड नहीं करनी है। लेकिन जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के स्टूडेंट हैं अक्टूबर 2023 के, उन सभी को अब अपने पोर्टल में जाकर आप अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस को पेड कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूज़न है वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे संपर्क करें, हम आपके हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन फ़ीस को पेड करने की। दूसरा एक नोटिफिकेशन और आया है जो TMA को लेकर है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, क्योंकि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट क्लास 10th वालों के लिए तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो पूरा पास में ही रोल प्ले करता है कि स्टूडेंट पास होएगा तो TMA के बेसिस पे। और क्लास 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो परसेंटेज इंक्रीज़ होती है 20% का वेटेज होता है TMA का, तो वो परसेंटेज इंक्रीज़ तब होती है जब ये TMA को आप सबमिट करते हैं। अब ये TMA करना क्या होता है, TMA आपको बनाने होते हैं, आपको अपनी हैंड राइटिंग में ये बनाने होंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आप हमसे ले सकते हो, और उसके बाद बनाने के बाद इसको आपको जो है ऑनलाइन अपलोड करना है। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे ये लिखा गया है किसी भी स्टूडेंट से ऑफलाइन कोई भी TMA सबमिट नहीं होगा ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, गड़बड़ लगती है कि कैसे ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए, हम आपके TMA को सबमिट कराने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से करेक्ट TMA, सही TMA सबमिट करना भी ज़रूरी होता है। कई बार जो है गलत क्वेश्चंस लेकर उनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं, कहीं सोशल मीडिया से आप उन्हीं को लिख के जो है अपलोड कर जाते हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन ना हो। साथ साथ में सब्जेक्ट का मीडियम ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम का ही आपका जो है TMA सबमिट हो, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम का सबमिट हो, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो, तो उस सब में जो है बहुत ही जो है सावधानी बरतनी पड़ती है, तब जाके जो है आपका वो TMA अपलोड होता है। तो अगर आप में से किसी को कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सअप नंबर से ज़रूर संपर्क करिएगा, हम आपके TMA मार्क्स को जो है कैसे भी करके आपके TMA को अपलोड करके आपको TMA के मार्क्स को अपडेट कराएंगे। तो ये थे वो दो नोटिफिकेशन जो आज के वीडियो में मैं बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि हमारे वीडियो में कोई भी आलतू फालतू और कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, सिर्फ वो बातें जो स्टूडेंट के बेनिफिट की हैं वो ही मैं बताऊंगा आपको। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, NIOS क्या कर रहा है, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो बातें मैं यहाँ पर नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका जिस चीज़ में बेनिफिट है, वही बातें हम लोग यहाँ पर बताते हैं। तो ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।